क्या जेठालाल और टप्पू की नहीं बनती रियल लाइफ में? क्या दोनों नहीं करते एक दूसरे से बात? सामने आया टप्पू का शॉकिंग रिएक्शन। तो क्या कहा टप्पू यानी कि राज ने, आइए जानते हैं। टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा घर घर में फेमस है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शो के लीड किरदार जेठालाल और टप्पू के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी और टप्पू यानी कि राज अनटकट के बीच कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले जब दिलीप से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ इसे अफवाह बताया था। अब राज से जब इस बारे में पूछा गया तो जाने उन्होंने क्या कहा। राज ने स्पॉट बॉय को बताया, मैं ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ इस पर फोकस करता हूं कि मैं अपने काम में बेस्ट कर पाऊं, ताकि दर्शक मेरे काम को पसंद करें। लोग तो बातें बनाते ही हैं, लेकिन मैं हंसकर इसे टाल देता हूं। मैं इन पर ध्यान नहीं देता, हमारे बीच सब ठीक है। बता दें, ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि रात सेट पर लेट आए और दिलीप जोशी को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। राज के लेट आने की वजह से दोनों के बीच दिक्कतें आ गई हैं। हालांकि अब जब दोनों स्टार्स ने इन खबरों को गलत बता दिया है तो फैंस इससे काफी खुश होंगे। वैसे इससे पहले जेठालाल और तारक मेहता यानी कि शैलेश लोढ़ा के बीच अनबन की खबरें सामने आई थी। शैलेश ने भी इन खबरों को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि शो की तरह रियल लाइफ में भी उनके बीच सब कुछ ठीक है और उनकी दोस्ती वैसी की वैसी है और उनके बीच कोई दिक्कत नहीं है। वेल, क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।